बात ये है, अरे अगर आप अपना विवाह नहीं करोगे तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। अब ये जिल्लत से भरी जिंदगी हम नहीं जिएंगे। महाराज लोग कितनी बुरी बुरी बातें सोचते, कोई तुम्हें कमजोर कहता है और कोई मुझे बांझ कहती है, इस बात से हम बहुत परेशान हैं, अब हम ऐसे नहीं रहेंगे। परिणाम ये हुआ, पत्नी को समझाने की कोशिश तो बहुत की लेकिन नहीं माने, तो अंत में मजबूर होकर के महाराज को दूसरा विवाह करना ही पड़ा। हो गई शादी। पहली जो घर में पत्नी है उसका नाम था सुनीत। सुनीत सुमाने अच्छे और नीति माने विचार, अच्छे स्वभाव वाली, अच्छी आदत वाली। और जब दूसरी शादी की और दूसरी पत्नी घर में आई तो उसका नाम था सरुचि। सरुचि सुमाने अपनी और रुचि माने इच्छा, अपनी इच्छा से चलने वाली, किसी की बात ना सुनने वाली। जब घर में दूसरी शादी की महाराज ने तो ऐसा ही नहीं, अरे फिर आई सुंदर सी विवाह हो गया। दूसरी पत्नी पालकी में बैठ करके दरवाजे पे आ गई। बड़ी रानी को जब ये खबर मिली है कि हमारे पति ने दूसरी शादी कर ली, बहुत मगन भई। वो अपनी दासी को अपने करीब बुलाया, बोले दासी चली जा दरवाजे पे, जहां हमारी छोटी बहन पालकी में बैठी है उसे बड़े सम्मान से बुला के लाना और उससे जाके ये कहना कि तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें घर में बुला रही है, तुम्हारी बड़ी बहन इंतजार कर रही है, तब तक हम घर की तैयारियां कर रहे हैं। दासी को भेज दिया दरवाजे पे, खुद काम में लग गई। और उधर जब दासी गई है जहां छोटी रानी पालकी में बैठी है वहां, वो बोले ऐसे कब तक छुपी बैठी रहोगी पालकी में, चलो घर के अंदर, तुम्हारी बड़ी बहन ने बुलाया, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा घर में इंतजार कर रही है। छोटी रानी ने जब ये सुना कि मेरी बड़ी बहन,
मेरी बड़ी बहनों इस घर में दासी से बोली दासी दरा हम यहां कभी आए नहीं और हम किसी को जानते नहीं और फिर तू आई ये पर्चा किसका दे रही है कौन मैं मेरे कोई मेरे में नहीं है। दासी बोली तो आपको बताया नहीं है महाराज की जो पहले वाली पत्री है ना उन्होंने तुम्हें बुलाया जो पहले वाली का नाम सुना ऐसे मानो कि जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो। भगियाए के दासी पे दौर पड़ी इधर आ तो सीधी सी के नहीं कहती घर में सोते है अरे बुला मेरे पति को हमें घर में लाने से पहले नागिन को पर रखा है और हमें नहीं आए बिल्कुल नहीं जाऊंगी हरगिज नहीं जाऊंगी इस घर में मेरी साथी बुला मेरे पति को। गए उत्तान पा बोले काय को चिल्ला रही छोटी बोली इधर आ इधर आ एक बात बता पहले से घर में नागिन को पर रखा है वो हमें नहीं आए जब तुम्हारे घर में एक औरत पहले से थी तो फिर क्यों गए हमारे पिताजी के दरवाजे पे है? मेरे साथ शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने और बोली जब ये तुम्हारे रानी थी तो हम ही व्यर्थ ले आए हो अब भोग रखे हो उससे मन नहीं भरा तो हमारी जिंदगी में आग लगाई तुमने बिल्कुल नहीं जाऊंगी हरगिज नहीं जाऊंगी महाराज और बोली नहीं जाऊंगी जिस घर में मेरी सोते तो उत्तानपाद बोले अपनी कहेगी हमारी भी सुनेगी सुनो जिसे तुम सोत बता रही हो सच तो ये है कि उसी ने हमारी शादी कराई और वो बहुत अच्छी आदत की वो तेरी रानी नहीं बल्कि नौकरानी बन के काम करेगी एक बार तू घर के अंदर चल के तो देख ले अगर अच्छा लगे तो ठीक है और नहीं लगे तो कोई बात नहीं छोटी बोली हम बिल्कुल नहीं महाराज हरगिज नहीं मेरी बात सुनो बोली है राजा सरनिया बोली है राजा सरनिया मिलाई बोली है राजा सरनिया मिलाई अगर एक काम कर सकते हो तो करो अगर आप हमें रखना चाहते हो तो उस नागिन को घर से निकाल करके बाहर फेंक दो अगर उसे रखना चाहते हो तो हमारी डोली हमारे पिताजी के घर पे वापस भेज दो सीधी सी बात ये है जहां वो रहेगी वहां मैं नहीं रहूंगी और जहां मैं रहूंगी बाबा नहीं रहेगी समझ गए उत्तान पाद बोले अब हमारे दिमाग में आ गया कि तेरे दिल में उसके लिए कोई जगह है ही नहीं और दासी से बोले मेरी मौकी तरफ देख रही है
जा। कितनी बार मैंने उससे मना किया कि मेरी शादी न कराए, एक नहीं मानी। अब वो आए इसे समझाए ले जाए। बड़ी रानी को जब ये खबर मिली है कि शादी तो हो गई लेकिन वो घर में आने से मना कर रही है, तो दौड़ी दौड़ी दरवाजे पे आई और छोटी रानी के सामने दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। बोली बहन, हमने ये सुना है कि तुम घर के अंदर नहीं जा रही हो। मैंने अपने पति की शादी इसलिए थोड़ी कराई थी घर में कलह हो कलेश हो। मैंने तो शादी इसलिए कराई थी घर में सुख शांति आए। तू घर के अंदर चली चल, मैं तेरी रानी नहीं बल्कि नौकरानी बन के रहूंगी, तेरे सारे घर का काम करूंगी। जब तेरे कोई बच्चा पैदा होगा तो मैं तेरे बच्चे को खिलाऊंगी, लेकिन तू घर के अंदर चली चल। और बड़ी रानी छोटी रानी से अपनी हीन भावना